इसके बाद जो पीछे का नजारा है ये काफी ज्यादा बेहद खूबसूरत है। द बीस्ट गाइज वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज हम जाएंगे हाजीपुर में और एक्सप्लोर करेंगे हाजीपुर के पंडाल। इसके लिए हम करते हैं लेट्स गेट स्टार्टेड। ये यार रात को कुछ नज़ारा और ये नारायण स्वीट पूरा सुनसान है, उसमें हम ही चार लोग हैं। ये है कि हम हाजीपुर एक्सप्लोर करते हैं कि रात के 1 बजे करीब में इतने सारे पंडाल तो ऐसे पंडाल तो सारे बनाए, बाकी और खाने पीने को मुझे आज अभी रात को क्या मिल जाता है। वैसे आज दशहरा का रात है तो हम अभी वही चीज़ देखेंगे यहाँ पे। अभी हम लोग पहुँच रहे हैं, आगे टर्निंग से यादव चौक पहुँचेंगे। तो ये कुछ हमारा सीन रहा यहाँ, तो अभी भी मतलब सिंगिंग चल रहा है पूरा और भाई साहब पंडाल पहला स्टॉप हमारा राम प्रसाद चौक था। यहाँ तो अभी पंडाल पूरा अच्छे से एकदम सजा है, प्रसादियों में खाने को मिला, भगवान के भी दर्शन कर लिए। अब जाके चल के देखते हैं कि आगे हमें मतलब कौन से पंडाल में सारा कुछ मिल रहा है। वैसे भीड़ तो नहीं था, कोई बात नहीं, भीड़ देखे नहीं आए थे, माता के दर्शन करने आए थे। ये है हमारे सामने दोस्तों मरई चौक का ये मूर्ति और सजावट इनका था, जो कॉटन से इन्होंने मतलब सजाया है भाई, क्या जबरदस्त सजाया है। मरई चौक का भी देखा ये मूर्ति, यहाँ पे भी सब कुछ था एकदम, लोग से बैठे हुए। एक चीज की कमी थी, हमें प्रसाद नहीं मिला भाई, प्रसाद मिला थी। चलो कोई बात नहीं, सह लेंगे। लखिंदर भाई को जान दे फिर, आज तो खूब सारे बेचे होंगे क्या भैया, हो गया आप बंद, अब जा रहे हैं, आज तो खूब सारे बेचे होंगे है ही, तो कहाँ से खिलाएंगे, जाम मत लगाइए हो, रास्ते के लिए कर दीजिए। द बीस्ट इसको बोलेंगे, द बीस्ट। हम लोग है इस जगह पे, ये हाजीपुर का सबसे सुंदर पंडाल है और बड़ा भी है, लेकिन जैसे यहाँ पे आया तो यहाँ के जो प्रशासन के लोग है कहते चल चल निकलो, पूजा समाप्त हो गया, पूजा समाप्त, मेला समाप्त हो गया। तो अब हम जा रहे हैं भाई। कैसा लग रहा है भाई यहाँ के, लेकिन सही बात बताऊँ ये बनिया लोग का बड़ा मतलब दुर्भाग्य है कि हम लोग दुकानदारी कर रहे थे, दुकान समाप्त करके आए हैं तो मेला खत्म हो गया हम लोग के लिए। मतलब आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे, आप यहाँ पे आए पूजा करने के लिए और आपको भगाया जा रहा है? एक झगड़ा देखने आए थे, अब देख लिए, भगा लीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमको, क्योंकि मैं दर्शन कर चुका हूँ। मतलब आपको माता का दर्शन बस करना था, मेला एंजॉय नहीं करना था? मेला भी एंजॉय कर लिया, अब इतना लेट से भी आके आप क्या एंजॉय कर लोगे, देख लो सब बंद चारों तरफ, क्या एंजॉय कर लोगे, इससे अच्छा है जो भगा ही रहा है। सही है बिल्कुल भाई, मुझे ऐसे बंदे चाहिए, बिहार की उन्नति तभी होगी वरना नहीं होगी। हम भाई कुछ यहाँ रुके थे सामान लेने के लिए और लिए नहीं, नेगोशिएट करके बस चले आए। ये राजेंद्र चौक का ये पंडाल, अरे भाई साहब क्या भव्य लग रहा है, ऊपर आप देखेंगे इस जुम्म के क्या जबरदस्त स्टार्स लटक रहे हैं। यहाँ रुक के तो सेल्फी तो पूरा बनता है भाई, अभी तक तो पंडाल देखा नहीं, क्या रेटिंग देना चाहेगा जो एक लुक में देखा उसके बारे में बता। ये हम देखेंगे, देखो हम पहले देखे, वैसे 10 में अगर कुछ पूछे तो 9 हम देंगे पक्का। इस पंडाल को, हाँ इस पंडाल को मैं 6 दूंगा। कितना देंगे? 6। कैसे, कोई तो रीजन होगा मतलब, क्या रीजन पे आप दोगे? 9 रेटिंग वाले पंडाल और हैं। नहीं अगर डेकोरेशन देखा जाए ना तो अंदर का इंटीरियर बहुत बढ़िया है इसका, सामने। और भाई साहब इस गलियारे में भी चलेंगे, यहाँ पे फोटोज लेंगे, वीडियोज निकालेंगे, ये क्या जबरदस्त आ रहा है यहाँ पे। और देख सकते हैं भाई रात के 2 बज रहे हैं, नहीं
एक बज के दस मिनट हुआ। इसके बाद जो पीछे का नज़ारा है ये काफ़ी ज़्यादा बेहद खूबसूरत है। ये जो लाइट्स का नज़ारा है सच में यहाँ से लेकर पूरा आगे तक में ज़बरदस्त लग रहा है रात को। वैसे अगर आप यहाँ पे दिन में आते हैं तो यहाँ इतना ज़्यादा जाम मिलेगा कि आपको मतलब ठीक से चल भी नहीं पाओगे, गाड़ी तो दूर ठीक से चल भी नहीं पाओगे। यहाँ पे रात को देखिए 1 बजे करीब में, 1 बजे मतलब पूरा खाली है। लाइक कर दियो भाई। गोदिलो का पंडाल ज्यादा लाइटिंग और मूर्ति एक नंबर का जबरदस्त मजा आ गया गोदिलो का। बाकी आप मुझे कमेंट जरूर बताना कि आपको ये वीडियो में कैसा पसंद आया और मतलब पंडाल पसंद आया है क्या, लाइट वगैरह कमेंट में जो बताएं। यहाँ का थीम बहुत ज़बरदस्त है, एकदम पहाड़ों से मतलब निकलता हुआ एकदम थीम है। थीम बेस्ड बहुत अच्छा कि सब पहाड़ जैसा कि सब बनाया हुआ है और इतना बड़ा शेर है। हम अभी बाइक पे, दो बाइक पे चार जने बैठ रहे हैं, पूरे हाजीपुर को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हाजीपुर में कहाँ पे कैसा पंडाल है, लाइटिंग किसका बढ़िया है, साथ में डेकोरेशन भी, और ये भी देखते हैं मूर्ति भी किसकी मतलब ज़्यादा सुंदर है। और ये एंट्री कर रहे हैं हम इस गेट में फिर से, लाइटिंग भी ज़बरदस्त। जाएंगे जौहरी बाजार के साइड में तो देखते हैं। अरे भाई साहब ये दोनों साइड में लगाए, अरे भाई साहब ये तो सच में लगाया कि था स्वर्ग में आ गया, क्या लाइटिंग है इसका। लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। ये रहा यहाँ का दुर्गा पंडाल, श्री श्री दुर्गा पूजा समिति, जौहरी बाजार चौक। इसके बाद हम चलेंगे स्टेशन रोड के साइड में, चलेंगे और वहाँ देखेंगे कि मतलब वहाँ का पंडाल होते हुए, हाँ पूरा डाक बंगला होते हुए चलेंगे देखेंगे पूरा। लास्ट स्टॉप हम लोग का स्टेशन ही है। वीडियो दोस्तों मजा आ रहा है तो मतलब एक लाइक तो बनता है, बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट। गांधी चौक और यहाँ पे देख रहे हैं दोनों के बीच में भी लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त है, ये लाइटिंग ज़बरदस्त, ये गांधी चौक का डेकोरेशन है भाई साहब मंदिर में। आप ऐसे कहीं देखते होंगे जो दैनिक जागरण के एक रिपोर्टर जो कि नाइट रिपोर्टर अपने आप को बोलते हैं और वो पूरे हाजीपुर की स्थिति नाइट में दिखाते हैं। मैं नाइट ब्लॉगर हूँ जो कि पूरे दशहरा को मतलब रात को दिखा रहे, रात को दशहरा में कैसा लगता है हमारा हाजीपुर वैशाली, हाजीपुर वैशाली का क्या है माहौल, रात में कैसा लगता है सब तो आप दशहरा के टाइम नाइट ब्लॉगर। वैसे मुझे एक बात का कन्फ्यूजन है कि ऑडियो कैसा जा रहा है मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि हम अपने अपना माइक नहीं लेके हैं साथ में, बस एक फ़ोन से ब्लॉगिंग किए जा रहा है। ये रहा डाक बंगला। अरे भाई साहब ये
हैं आप लोग, जो ब्लॉगर भी हो तो बाइकर भी हो। देख मैं आर1। अरे भाई मुझे तो पता भी नहीं था, एकदम दो सेकंड में पटना पार, आर1 5 से है। अब हम कहाँ पहुँच रहे हैं? रेलवे स्टेशन। यहाँ का बहुत सारा लाइट बंद है ऐसा लग रहा है। हाँ बहुत सारा लाइट बंद है। और डेकोरेशन देखो भाई, पंडाल काफ़ी ऊंचा पंडाल है यहाँ भाई साहब। रात का नज़ारा देखिए आप, ये है पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर हाजीपुर। यहाँ पे देखिए काफ़ी कम लोग हैं। ये हम लोग का ऐसे डीजे साउंड है जो हम लोग शादी सोल्यूशन कर रहे हैं, उसका डीजे साउंड सिस्टम हमारा ये इस वाले पंडाल में लगा हुआ था। तो अभी खुल के ये जा रहा है पैक होकर के, बाकी और भी कुछ चला गया। और ये देखिए कुछ यहाँ का डेकोरेशन। सारी सोल्यूशन के CEO को फाउंडर बस कुछ बोलना चाहेंगे, ये आपका ही है जंजाल, आपकी कंपनी का बताए कुछ। हमारे पार्टनर या माता दी टेंट हाउस का कार्सिल। अरे कहना क्या चाहते हो? प्लेस का बताइए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। प्लेस का बताइए। एक शॉर्ट सर्किट होगा, सारे बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ये कौन सा किरण चाह रहा है, किसी को कुछ आइडिया लग पा रहा है भाई? दर्शन के प्राप्ति के लिए आप कोई सा अवार्ड छू सकते हैं इसमें से। तो अभी पहुंच गया राम बालक चौक में। यहाँ देख रहे पूरा थर्मोकोल का पूरा एकदम डिजाइन बनाया गया, पूरा थर्मोकोल से बनाया गया। और भाई साहब ये क्या शेप में दिया गया, जबरदस्त। दोस्तों तो अभी हमने पूरा हाजीपुर एक्सप्लोर करा है, हाजीपुर के मतलब जितने ही पंडाल सबको विजिट करा है। इसके बाद हम पटना के साइड में जा रहे हैं, अब देखते हैं कि मतलब हम आगे कितना आगे तक जाते हैं। वैसे ज़्यादातर प्लान है कि हम बसंत विहार से रिटर्न आ जाएंगे, वहाँ पर कुछ खाएंगे पियेंगे और रिटर्न आ जाएंगे। हम लोग पूरे हाजीपुर एक्सप्लोर करने के बाद अभी आए बसंत विहार में कुछ खाने पीने के करने के लिए। अच्छा एक चीज़ बताइए, मतलब अभी तक पंडाल के मामले में अगर देखा जाए तो सबसे बेटर किसका था? मूर्ति की बात करें तो डेकोरेशन रवि आर्ट्स, ये इसलिए रवि आर्ट्स का नाम ले रहा है क्योंकि इसका दोस्त का इसीलिए उसका नाम ले रहा है, पार्टनर इसलिए भी। ऐसा कुछ नहीं है, उसका थर्मोकोल का कलाकारी औसम है। आपको कैसा लगा है, मतलब किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? पंडाल की बात करें तो मैंने पहले ही बता दिया है कि संस्कृत महाविद्यालय के जो पंडाल बना हुआ है वो काफ़ी उत्तम बना हुआ है। हाजीपुर में उसका कोई दुष्जोर नहीं है। माँ दुर्गा की मूर्ति, मूर्ति का तो मैं भाई के साथ ही एग्री हूँ, इसलिए हाजीपुर के बारे में बताया, स्टेशन के बारे में उसके साथ मैं भी। डेकोरेशन भी मैं भाई के साथ ही हूँ। आपको कैसा लगा बताइए आप? हमको सभी माताएं बहुत अच्छे लगे, सबका सजावट बहुत ही अच्छा था, सबका सब मेरे लिए सब बहुत अच्छे थे। ठीक है अच्छा, आप ये बोले कि सभी माता अच्छा लगे तो आपने बहुत जगह फोटो क्लिक किया है कि आप बहुत कुछ छोड़ भी दिया आपने। कई जगह तो ये रुके भी नहीं है ताकि मैं वीडियो बना सकूं, रुके भी नहीं है। हमारे पास टाइम का बहुत मतलब दोस्तों एक चीज ऐसे बताऊं, मैं जिस बाइक पे पीछे बैठ के ब्लॉगिंग कर रहा था उनके संचालक ड्राइवर साहब कई जगह तो रुके भी नहीं है पंडाल देख करके। दोस्तों तो हम वीडियो का यही समाप्त करते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मतलब वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक कमेंट करें शेयर और शेयर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय।